हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.5। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट दिस फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए बीच में हमें स्पेस खाली दी हुई है, सारी जगह पे ऐसे फिलअप भरी हुई है, यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। तो हमें ब्लैंक्स में एप्रोप्रिएट साइन डालना है, ठीक है, कि प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा इसमें, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो बॉक्सेस हैं, इनमें एक बॉक्स कलर है, इसमें दो बॉक्सेस कलर और इसमें तीन बॉक्सेस कलर है, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है बीच में। अभी आपको ये बताना है कि हम इन दोनों को क्या करें, प्लस करें या माइनस करें कि ये फ्रैक्शन बन जाए। बिल्कुल क्लियर है, देखिए यहाँ पे वन बॉक्स कलर है, यहाँ पे दो बॉक्सेस कलर है, 2+1 3 बनेगा, इसका मतलब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस कलर है, यहाँ पे 3 कलर और यहाँ पे 2 कलर है, तो इन दोनों को हम क्या करें कि 2 बन जाए, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 5 है, अगर 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। सेम ऐसे ही अगर देखिए यहाँ पे 2 कलर है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जिसके साथ हमारा वो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व। हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। जब हमें फ्रैक्शन वाली एडिशन या सब्ट्रैक्शन आती है, हमें चेक करना होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर, अगर तो नीचे वाला नंबर सेम है, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 सेम है, तो ये सिंपली प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 18 है, तो ऊपर वाले प्लस होंगे, सिर्फ ऊपर वाले प्लस होंगे, नीचे वालों को हमें कुछ नहीं करना। तो 1+1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2/18। यहाँ पे देखिए 15 और यहाँ पे भी 15, तो 8+3 11। आगे देखिए साइन माइनस के, नीचे नीचे 7 है, तो 7 ही रह जाएगा, और 5 - 7 कितना हो गया, 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 22 है, तो 21+1 22, तो 22 कितना हो जाएगा, 1। आगे देखिए इसमें माइनस का साइन है, 12 में से 7 माइनस करने कितना आएगा, 5। ओके, नेक्स्ट में देखिए नीचे 8 है, 5+3 कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे आ गया 8/8 कितना होगा वो, 1। अभी इस पार्ट में देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 है, जो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3। अगर हम 3/3 देखो, कटिंग करके 1 ही बच जाएगा ना बाद में, इसलिए हमने इसे 3/3 लिख लिया, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। आगे जब हम इनको प्लस करेंगे, किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो 1/4 सेम नंबर ही रह गया। नेक्स्ट देखिए इसमें, इसमें जो ये 3 है, इस 3 को हम लिखेंगे 15/5। अभी इन्हें माइनस कर दीजिए, अभी 15 में से 12 माइनस किए 3, तो कितना आ गया आंसर, 3/5। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दैट शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3। शुभम पेंटेड, PAINTED, शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस। हिज सिस्टर माधवी हैड हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3, तो माधवी ने कितना पेंट किया, माधवी पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, अभी दोनों ने टुगेदर कितना पेंट किया, दे पेंट टुगेदर, कितना पेंट करेंगे, दोनों को प्लस करके पता लग जाएगा। अभी नीचे सेम है तो ऊपर वाले सिंपली प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3/3, कटिंग करके क्या बच गया, 1। इसका मतलब ये है कि दोनों ने मिलकर पूरी वॉल स्पेस को पेंट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल द मिसिंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, हमें इनको फिल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3 और बीच में है माइनस का साइन, नीचे 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही आएगा, वो तो क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे 7 है और वहाँ पे 3 है, तो हम 7 में से कितने माइनस करें कि हमारे पास 3 बचे, कितने करेंगे, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/10। आगे देखिए बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे है 21, 21 ही लिख लिया, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो कितने, कौन सा नंबर यहाँ पे होगा जिसमें से 3 माइनस करके 5 बचेगा, 8, क्योंकि 8 - 3 कितना होता है, 5। आगे चलिए यहाँ पे 6 ही आएगा नीचे, तो क्लियर है वो, तो अभी यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, किस नंबर में से 3 माइनस करेंगे 3 बचे, 6 में से।
अभी यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे 12, तो 5 में कितने प्लस करेंगे, 12 आ जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जावेद वाज गिवन 5 बाय 7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। जावेद के पास कितने ऑरेंजेस हैं, या फिर जावेद ने कितने ऑरेंजेस दे दिए, ठीक है। जावेद वाज गिवन 5 बाय 7 ऑफ अ बास्केट, कितने ऑरेंजेस उसने दे दिए, 5 बाय 7 ऑफ अ बास्केट। अभी बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट, तो लेफ्ट ऑरेंजेस कितने होंगे। देखिए अभी हमारे, हमें पता है कि उसके पास एक बास्केट है, एक बास्केट में से उसने 5 बाय 7 दे दिए, तो हमें इसको माइनस करके पता चल जाएगा कि उसके पास कितने ऑरेंजेस बचेंगे। तो अभी ने देखिए 1 को हम पता है कि हम 1 को 7 अपॉन 7 लिख सकते हैं, तो अभी 7 माइनस 5 2, तो कितना आ गया 2 बाय 7। तो इसका मतलब उसके पास बास्केट में कितने ऑरेंजेस बच गए, 2 बाय 7 ऑरेंजेस। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होती है। होप आपको समझ आ गई होगी, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।